हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। एज यू नो, पिछली मैंने दोनों वीडियो में कैटलिस्ट के बारे में काफी बात की है, तो अभी हम उसी के कैटलिस्ट के ही बारे में और डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो पिछले सेशन में, जो दो सेशन में ले चुकी हूँ, वीडियोस ले चुकी हूँ, उसमें हम पढ़ चुके हैं अबाउट कि कैटलिस्ट क्या होता है एंड कैटलिस्ट के कितने टाइप्स होती हैं। जैसे कि तीन टाइप का कैटलिस्ट होता है, हेटरो, होमो एंड बायो कैटलिस्ट। उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खूबियां हैं, जिसकी वजह से हम उन एलिमेंट्स को जो है कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो बहुत फेमस हैं कैटलिस्ट की फॉर्म में। तो उसका क्या रीजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही कैटलिस्ट की तरह काफी यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यू कैन से की भरमार लगी हुई है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो ये हम पढ़ चुके हैं, और जिसने नहीं देखी हो वीडियो, वो जरूर वहां जाकर दोनों वीडियोस देख ले कैटलिस्ट के बारे में, देन ये सीक्वेंस समझ आएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, है ना। तो इसके लिए, कैटलिस्ट के लिए जो थ्योरी आती है हमारे सामने, होमो एंड हाइड्रोजिनस कैटलिस्ट के लिए, वैसे मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग लूंगी, लेकिन बेसिकली दोनों का काम जो है, वो करने का ढंग जो है, वो सेम ही है। कि होमोजिनस कैटलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, होमोजिनस कैटलिस्ट में, होमोजिनस ऐसे कि मालूम है आपको कि होमोजिनस का मतलब भी क्या है, कि जो भी स्टेट है फिजिकल स्टेट, वो रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की सेम होगी। तो ये रिएक्टेंट मिक्सचर जैसे हमने लिया और उसमें हमने कैटलिस्ट डाला जिसकी फिजिकल स्टेट सेम है, जब वो रिएक्टेंट मिक्सचर उस फिजिकल स्टेट, उस कैटलिस्ट के तरफ अप्रोच करते हैं, पहले तो वो उसकी तरफ अप्रोच करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, कैटलिस्ट उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड देन उनसे हल्का सा वीक एक बॉन्ड बनाकर उनकी आपस में दोस्ती करा देता है, आपस में रिएक्शन बॉन्डिंग करा देता है, एंड देन उन्हें अपने से दूर एटमोसफेयर में, सराउंडिंग में उन्हें वापस छोड़ देता है प्रोडक्ट बनाकर। सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ऑल्सो, क्योंकि एक्चुअल में सिर्फ दिखाने के एक मेथड्स है कि हाउ द कैटलिस्ट इज वर्किंग, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि यही डिजाइन होता है कैटलिस्ट का। एक्टिव साइट्स होती है कैटलिस्ट की सरफेस पर, जो कैटलिस्ट को एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट मटेरियल बनाती हैं। उसके सरफेस पर आकर जो रिएक्टेंट है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ये आ गए रिएक्टेंट जो उसकी सरफेस पर सेटल डाउन हो गए, एंड देन दोनों रिएक्टेंट की उसने आपस में कराई बॉन्डिंग और उन्हें दोबारा सराउंडिंग में जो है वो प्रोडक्ट बनाकर छोड़ दिया। तो इस टाइप से मैं अलग अलग मेथड से, अलग अलग डायग्राम से इन्हें शो कर सकती हूँ। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि हेटरोजीनस कैटालिसिस कैसे काम करता है। इसमें भी यही है कि सरफेस जो है, कैटलिस्ट जो है, वो एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है और उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग में रिएक्टेंट्स हैं वो सरफेस के साथ एक बॉन्डिंग बना लेते हैं, उसकी सरफेस पर सेटल डाउन हो जाते हैं और हल्का फुल्का बॉन्ड बना लेते हैं, एंड देन वो कैटलिस्ट जो है वो उनकी आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करा देता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो एक इंटरमीडिएट बन गया है, इसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने के बाद वो प्रोडक्ट में फाइनलाइज हो जाता है कंपाउंड, एंड प्रोडक्ट फिर वापस एटमोसफेयर में, सराउंडिंग में भेज दिया जाता है, और वो जो साइट है वो दोबारा नए रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो ये कैटलिस्ट का काम है, जो वो एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। एक जैसे होता है ना कि बच्चे हैं दो और उनकी हो गई आपस में लड़ाई, पहले तो बहुत गहरी दोस्ती थी लेकिन हो गई उनकी आपस में लड़ाई, अब दोनों का ही एक कॉमन फ्रेंड है जो उन दोनों को अपने पास बुलाता है। यदि वो वेलविशर है तो वो उनको बुलाएगा अपने पास और फिर उनकी आपस में जो भी कहा सुनी है वो ठीक करवा देगा और फिर उनको कहेगा जाओ अब तुम्हारी दोस्ती हो गई है। तो सेम ऐसे ही रिएक्ट जो कैटलिस्ट है वो भी यही काम करता है कि जो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट को पास आने में ओरिएंटेशन प्रॉब्लम है या उनकी एनर्जी वैल्यू की प्रॉब्लम है, कि एक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी जब उनके पास हो जाएगी तब वो एक्टिवेट होंगे एंड देन वो बम्बार्टमेंट एक दूसरे पर अटैक करेंगे या रिएक्शन करेंगे, तो वो एनर्जी की वैल्यू को वो क्या कर देता है, डाउन कर देता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डाउन हो जाती है,
जैसे कि मैं आपको डायग्राम ये दिखाऊं, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। अब रिएक्टेंट्स जो है वो इस पॉइंट पर आकर जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हाईएस्ट पीक पॉइंट ये है। यहाँ आने के बाद रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उनकी एक्टिवेशन होने के लिए। इन दैट केस एनर्जी ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरी है, ज्यादा पॉइंट तक पहुंचने के लिए जरूरी है। तो ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो जाती है डाउन, और वो कम एनर्जी पर ही लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को ही डाउन कर देते हैं और जल्दी ही वो इंटरमीडिएट बनवा देते हैं, जिसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, और जल्दी ही उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी कर देते हैं। दिस इज हाउ कि कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कैसे कर देता है। तो एक तरह से उसने एनर्जी को क्या किया, बचा लिया, काफी एनर्जी को बचा लेता है जो रिएक्टेंट की कम उसमें खर्च होने वाली थी, उसको लोअर डाउन करके जल्दी काम करा देता है और वही एनर्जी जो है वो आगे के और फर्दर रिएक्टेंट्स के काम आ जाती है। तो इस टाइप से वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को भी कम कर देता है और रिएक्शन को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके आगे पास ऑन कर देता है। तो ये है आपका कि कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है। तो इसी सीरीज में मेरे साथ बने रहिएगा, और यदि आपको कोई भी ऐसा डाउट हो, कोई भी ऐसा आपको कुछ पूछना हो, देन आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा डीएसएल क्लासेस का ज्वाइन कर सकते हैं। डीएसएल क्लासेस 24 एंड डीएसएल क्लासेस 12, वहां पर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे कि कहाँ कब क्या हो, कौन सी क्लास होने वाली है। फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं कई मेरी, यहाँ तो है ही यूट्यूब पर, और मैंने हमने डीएसएल क्लासेस की ऐप भी लॉन्च की है, तो वहां पर भी फ्री क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो रेगुलर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी एक बार फिर रिवाइज अथन लेकर आया है, एक मैराथन लेके आया है रिविजन की 3.0, थर्ड सीरीज है ये, थर्ड पार्ट है ये। फाइनल एग्जाम के लिए आपने कितनी तैयारी कर ली है या तैयारी अभी कुछ कमी रह गई है तो वो चेक कर सकते हो, और इससे आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। फ्री आपका इनरोलमेंट है इसमें, कोई आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं कि फॉर्म भरना है कोई और उसमें पेमेंट लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बोर्ड क्लासेस के लिए है, 10th एंड 12th दोनों जो बोर्ड क्लास में अपीयर, बोर्ड क्लासेस अपीयर होने वाली है एग्जाम में, उनके लिए ये रखा गया है। कितने बजे होने वाला है ये, 21 फरवरी को होने वाला है 10 बजे, और 10 बजे सुबह और 8:30 बजे शाम को, दो टाइम है, 10 बजे एंड 8:30 बजे। अब इसका स्लॉट क्या रहेगा, स्लॉट ये है, जिस क्लास 10th का ये है पूरा स्केड्यूल, 12th में साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटी तीनों का स्केड्यूल है। तो आपके जान पहचान में कोई भी कॉमर्स में हो, ह्यूमैनिटी में हो, आप तो चलो हो सकता है आप तो साइंस के ही होंगे, बट कोई भी नेबर में या कोई भी आपकी फ्रेंड है जो आप मतलब ह्यूमैनिटी या कॉमर्स में है, तो आप उन्हें भी बता सकते हो कि इसका फायदा उठाएं। और 10 बजे, 21 तारीख को 10 बजे और 8:30 बजे, दो टाइमिंग है इसके, और यहाँ पर टाइम लिखा है कौन सा टाइम इस सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। जो यहाँ के विनर्स होंगे, यहाँ पर ये एक तरह से आपका क्विज है, टेस्ट है रिवीजन का, तो यहाँ के जो विनर होंगे उन्हें अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा 1 मंथ का, ठीक है। तो बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट आपको वो मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो जरूर करिएगा और जीतिए और बताइएगा मुझे कि आप जीते हैं या नहीं। तो इसके लिए करना क्या है, अगेन वही सब चीजें हैं कि आपको ऐप डाउनलोड करनी है, लिंक से ज्वाइन करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ मैं आपको, और गोल सेलेक्ट करेंगे रिवाइज उठन एंड इन। यदि आप नए हैं, पुराने हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें आप कई बार कर चुके होंगे, आपको पता है इन्वाइट को डालना था। अब यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको एक इनवाइट कोड डालना होगा डीएसएल क्लासेस, जिससे आप अनलॉक हो जाएंगे एंड आप ज्वाइन कर पाएंगे, या अदरवाइज वो अनलॉक नहीं होगा। तो प्लीज याद रखिए डीएसएल क्लासेस आपको इनवाइट कोड ऐड करना है वहां पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, कैटलिस्ट के बारे में और अभी कुछ कुछ रहता है, थोड़ा बहुत रहता है वो हम कंप्लीट करेंगे।
टिल देन बाय एवरीवन.